हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जहां अब नामांकन भरने के लिए केवल एक दिन रह गया है, वहीं उम्मीदवारों में नामांकन भरने की गति में तेजी आई है। लगभग सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं सोनीपत से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी कविता जैन ने भरा नामांकन। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी रहे मौजूद। चलिए दिखाते हैं इस पर मीडिया से क्या बोले नेताजी। और निश्चित रूप से आज मनोहर लाल जी थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व थे, जो विश्वास सोनीपत की जनता के ऊपर विश्वास रखते हुए हम पर तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा यकीन है सोनीपत की जनता अपना आशीर्वाद देगी। और हम जो 75 पार का हमने नारा दिया है और यहाँ से कमल खिलाकर हम मनोहर लाल जी की जो भी नाम उड़ा दें। और निश्चित रूप से जो विकास के काम हम लोगों ने शुरू किए हैं, जो चीज़ों करप्शन है, जो पारदर्शिता के आधार पर देगा, युवाओं के सपनों को पूरा करना। और मैं समझती हूँ खासतौर से महिलाएं, और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, इस बार का जो हमारा पूरा 5 साल का कार्यकाल, मैं समझती हूँ सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन चीफ फैक्टर पर आधारित रहने वाला है। और जो हमारे प्रदेश के आतंकवादी हैं उन पर फोकस रहने वाला है। और जिस तरह से हम लोगों ने सोनीपत में पिछले 5 साल के दौरान विकास के कार्य किए, सोनीपत की जनता मैं समझती हूँ इस बार पहले से भी ज़्यादा मतों से हमारे जिताने की। मैं लोकप्रिय काम करने वाली विकास महिला कैबिनेट मंत्री कविता जैन के नामांकन पर यहाँ पर आया हूँ। राजीव जैन जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और राजीव जैन जी को और कविता जैन जी को जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पार्टी में मैंने ही उनको सम्मिलित किया था। मुझे आज गर्व है उनके ऊपर कि हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे ये विश्वास लगता है कि वो बाकी जितने उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त कराएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।